वापस लेने के आखिरी दिन भी पप्पू यादव नहीं माने और पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर आमदा है। ऐसे में अब कांग्रेस क्या करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। कैची छाप से पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव क्या महागठबंधन के वोटों पर भी कैची चला देंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की लाख हिदायत के बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने आखिरी दिन भी अपना नाम वापस नहीं लिया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने दिल्ली से लेकर पटना तक अपने साथ हुए धोखे का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया। हमारे चुनाव प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना है। पप्पू यादव को जीत का पूरा भरोसा है तो इधर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ये कह रही हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन सहित कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। बीमा ने पप्पू यादव पर बीजेपी की बी टीम और एजेंट बनने तक का आरोप लगाया है। पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत। हमको लगता है कि यह बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। हाल ही में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए पप्पू यादव से कहा था कि पूर्णिया सीट से अपना नाम वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। पर अब तो पप्पू यादव ने कांग्रेस नेतृत्व को ही जैसे ठेंगा दिखा दिया है। सवाल यही कि अब कांग्रेस पप्पू यादव पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि पप्पू यादव ने हाल ही में खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।